जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और पति की लंबी आयु और संतान सुख के लिए प्रार्थना करती हैं। इस दिन का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन की पूजा करने से, उपाय करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है, पितर दोष समाप्त होता है और साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पूर्णिमा है जिसका बहुत अधिक महत्व माना गया है और इस दिन ग्रहों का गोचर भी बहुत ही दुर्लभ योग बना रहा है, जिसके कारण नौ भाग्यशाली राशियों को बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही इस दिन अगर आप हनुमान जी का पूजन करते हैं तो आपके जीवन में चल रही कैसी भी परेशानी हो वो अवश्य ही दूर होती है, क्योंकि हनुमान जी एकमात्र चिरंजीवी माने जाते हैं, अष्टनिधि के दाता है, हर प्रकार के विघ्न बाधाओं को, भूत प्रेत को भगाने वाले हैं। इस दिन अगर आप उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कैसे भी अगर आपके ऊपर कर्जा हो रहा है, किसी भी कार्य में अगर आपको बाधा आ रही है तो आप हनुमान जी का पूजन अवश्य करें और इस दिन एक वस्तु का भोग लगाकर जरूर खा लेना चाहिए। इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पूर्णिमा है तो हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए, साथ ही पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ अवश्य देना चाहिए। एक लोटे में शुद्ध जल भरकर थोड़ा सा कच्चा दूध और मीठा और अक्षर डालकर ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए अर्घ अवश्य देना चाहिए। इससे चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप हनुमान जी का पूजन अवश्य करें। हनुमान जी को आपको चूरमे का भोग अवश्य लगाना चाहिए, यानी आप पराठा बनाकर उसमें घी शक्कर मिलाकर आप उसको तोड़कर एक चूरमा मतलब लड्डू बना ले, और इस दिन केले का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। भोग में आपको तुलसी अवश्य डालनी चाहिए, इससे हनुमान जी बहुत ही शीघ्र तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो भी बाधा है वो अवश्य ही दूर होती है। साथ ही दोस्तों, हनुमान जी के आपको आगे आपको एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है। अगर गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छा है और उसमें दो फूलदार लौंग डाल दें। दीपक प्रज्वलित करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है या फिर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। पाठ करने के बाद हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर है आपको अपने मस्तक पर और अपने गले पर अवश्य लगाना चाहिए। अगर आपकी कोख बनी हुई है तो आप उस तिलक को अपनी पेट पर भी अवश्य लगाएं। साथ ही दोस्तों, हनुमान जी का पूजन करने के बाद जो आपने भोग लगाया है चूरमे का या फिर लड्डू का और केले का, पति पत्नी दोनों ग्रहण करें तो निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप गर्भवती हैं तब भी आपको जरूर ग्रहण करना चाहिए। अगर आपके किसी भी कार्य में बाधा आ रही है तब भी आपको जरूर ग्रहण करना चाहिए हनुमान जी को भोग लगाकर। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, बहुत ही शीघ्र दूर होती हैं और इस दिन ग्रहों का गोचर भी बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है इन राशियों के लिए। इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कन्या, धनु, मकर, मीन। ये भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ग्रहों का गोचर इस दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है और हनुमान जी का पूजन अवश्य करें, निश्चित ही आपकी सभी प्रकार की बाधाएं दूर होंगी और आपकी जो इच्छा है अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। आप सभी को जय।